हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो सभी रैबिट्स ओनर के लिए बहुत खास है। फ्रेंड्स, आपके रैबिट की ये खास बात होती है कि बीमार होने पर भी वे अपनी बीमारी छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, जिससे हमें पता नहीं चल पाता कि वे बीमार हैं। जब तक हमें उनकी बीमारी का पता चलता है, तब तक उनकी बीमारी काफ़ी पुरानी होकर गंभीर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, रैबिट की सेहत का अंदाजा आप उनके पुप्स यानी कि पॉटी से लगा सकते हैं। आपके रैबिट के पुप उसकी सेहत के बारे में अच्छे से बता देती है। नॉर्मल हेल्दी रैबिट का पुप मटर के दाने या फिर छोले के बराबर गोल शेप में होता है। ये आपके खरगोश की तरफ से आपको इशारा है कि वो हेल्दी डाइट ले रहा है और अच्छा फील कर रहा है। पर कभी कभी आपका रैबिट छोटे साइज के पुप भी करता है, जो कि दो तरह की शेप के हो सकते हैं। पहली तरह के होते हैं स्मॉल राउंड पुप्स यानी छोटे गोल पुप्स। ये साइज में छोटे और शेप में गोल होते हैं। अगर आपका रैबिट इस तरह के पुप्स कर रहा है जिसकी शेप तो गोल होती है लेकिन साइज काफी छोटा होता है, तो इसका सबसे आम कारण स्ट्रेस हो सकता है। अगर आपका खरगोश आसपास के किसी शोर से परेशान है या फिर बाहर लगातार कुत्तों के भौंकने की वजह से परेशान है या फिर किसी स्ट्रेस में है, तो वो कुछ घंटों के लिए स्मॉल राउंड पुप कर सकता है। थोड़े टाइम के बाद वो खुद ही नॉर्मल पुप करने लगेगा। लेकिन अगर आपका रैबिट लंबे समय से स्मॉल राउंड पुप कर रहा है, तब आपके रैबिट को डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर आंतों में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में बिना देर के तुरंत अपने रैबिट को किसी अच्छे जानवरों के डॉक्टर को दिखाएं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरी तरह के पुप की, जिसे स्मॉल मिशा पेन पुप बोलते हैं। इसमें रैबिट के पुप का साइज छोटा और शेप गोल ना होकर कुछ लंबी टेढ़ी मेढ़ी या फिर बेढंगी हो सकती है। अगर आपका रैबिट इस तरह के पुप कर रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है आपके रैबिट को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है या फिर आपका रैबिट कम खाना खा रहा है। दांतों में प्रॉब्लम की वजह से भी आपका रैबिट खाना खाना बंद कर सकता है या फिर काफी कम कर सकता है, या फिर उसे कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से वो खाना खाना पसंद नहीं कर रहा है। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी की वजह से भी रैबिट स्मॉल मिशा पेन पुप्स करते हैं। पानी की कमी को पूरा करने के लिए अपने रैबिट को खूब पानी पिलाएं और उसे ताजी हरी रस भरी सब्जियां खाने के लिए दें। इसके साथ ही अपने रैबिट को ताजी हरी घास और पत्ते पानी में डुबोकर उन्हें गीला करके खाने के लिए दें। इससे घास और पानी में जो एक्स्ट्रा पानी आएगा, उससे भी पानी की कमी दूर करने में सहायता मिलेगी। फाइबर की कमी की वजह से बने छोटे पुप्स करते हैं। फाइबर की कमी को दूर करने के लिए खरगोश को ढेर सारी हरी घास खाने के लिए दें। इसके अलावा किसी बीमारी के बाद या फिर किसी तरह की सर्जरी होने के बाद भी खरगोश स्मॉल मिशा पेन पुप्स करते हैं, जो कि पूरी तरह से नॉर्मल है। बल्कि ये एक अच्छा संकेत है कि सर्जरी या फिर बीमारी के बाद आपके खरगोश का डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, बस खरगोश ठीक से खाना नहीं खा रहा है, उसमें पोषण की कमी है। इन सब बातों के अलावा भी दूसरे कारण हो सकते हैं। अगर काफी दिनों तक लगातार रैबिट ऐसे पुप्स करता रहे, तो ऐसे में अपने रैबिट को बिना देर किए किसी अच्छे पशु चिकित्सक के पास लेकर जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थे वे कारण जिनकी वजह से रैबिट छोटे पुप्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।